सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी करी थी। ठीक है, तुम लोगों ने और बाइटल्स बना ही लिए होंगे। ठीक है, दे वर सिंपल, वो ऐसा कुछ था नहीं। और अगर तुम लोगों ने भेजा है तो मैंने चेक किया नहीं है शायद। तो लास्ट क्लास में वी टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो मैंने बस स्टार्ट करा दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो मैं वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर और बाइटल थ्योरी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमें टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ना है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? ऐसी फोर्सेस होती हैं जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं एंड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल स्टेट ऑफ अ मेटल और अ कंपाउंड और एन आयन। तो क्या फिजिकल स्टेट में होगा? सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, प्लाज्मा होगा या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो वही सारी चीज़ें, कितने टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, वो सब हम लोगों को बेसिकली देखना है, और उसी में हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है। तो मैं ये टॉपिक फिर से स्टार्ट करा रहा हूँ स्टार्टिंग से। तो पहली चीज़ हमें पता ही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होगी उसे हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे ये एटम दूसरे एटम से होल्ड हो रखा है, पकड़ के रखा हुआ है, वो जो फोर्सेस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जो स्ट्रेंथ होता है वही डिफाइन करता है कि कंपाउंड गैस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा या लिक्विड स्टेट में होगा। तो सॉलिड स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आयन फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो होता है एक्सट्रीमली लो या लेस होता है। ठीक है, लेस या नेग्लेजिबल ही तुम कंसिडर करो। तो आयन स्टैंड्स फॉर, आयन का मतलब यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, दूसरी जगह पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। एक चीज ये हो गई। अब क्या होगा कि इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होगा, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर ना जा सके। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लेस होंगी कंपेयर टू ऊपर वाला, और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, मोर होगा, ज्यादा हो जाएगा इसके कंपेयर से। और इसको अगर मैं फिर हीट करूंगा तो मॉलिक्यूल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी कि जितनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सारी गायब हो जाए। तो एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, तो इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लेजिबल है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है? हाईएस्ट है, जो हाईएस्ट पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट है? ये सॉलिड स्टेट है, ये है लिक्विड स्टेट, एंड दिस वन इज गैसेस स्टेट। तो गैसेस स्टेट में क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि किस क्या कौन कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जिस्ट तो सारे उसमें ही कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कौन किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा ये हमें ये चीज़ बताती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो कंपाउंड है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो अगर जिसके जिसकी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, एंड सो। तो अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो समझ चुके हैं, ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के बीच में होती हैं। अभी कितने तरीके की होती है? अब ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है जो सॉलिड स्टेट में है और दूसरा कंपाउंड है वो भी सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो 100 की है और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस IMF है 50 की। तो इसको भी मैं हीट करूंगा और इसको भी मैं हीट करूंगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन सॉलिड की, ये सॉलिड वन है और ये सॉलिड टू है, तो सॉलिड वन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है।
एज कम्पेयर टू टू, मतलब उसका एकदम डबल है। तो जब मैं हीट करूंगा तो दोनों ही दोनों की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम हो जाएंगे, थोड़ा दूर दूर हो गए मॉलिक्यूल्स। अब कम हो गई तो मुझे पता करना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मतलब किसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा और किसको कम टेम्परेचर चाहिए होगा सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए। तो इसमें क्या है, कम इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो मुझे कम टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि ये मॉलिक्यूल थोड़े से दूर हो सके। यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा हैं तो मुझे बहुत ही हाई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ये मॉलिक्यूल थोड़े दूर होंगे, इनके बीच में मॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी कम होंगी, अब वो अपना फेज ट्रांजिशन कर सकेंगे, सॉलिड से लिक्विड में जा सकेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट वाले का, वो ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टू। तो यहाँ से हम लोग क्लियरली ये डिफाइन कर सकते हैं कि हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा। ये चीज हमने क्लियरली यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी है। लेट्स मूव अहेड। अब हमें देखने से पहले या जज करने से पहले किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की बॉन्डिंग्स होती हैं और किस तरीके की इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो पहली चीज़ कि आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरेक्शंस। आयनिक बॉन्ड तो हमें पता है कैटायन और एनायन के बीच में होगा, और इसमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 400 से 4000 किलो जूल की एनर्जी चाहिए होगी, तब जाके एक मॉलिक्यूल को, आयनिक सॉलिड को हम लोग मेल्ट कर सकेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ठीक, नमक का एक क्रिस्टल हो गया और उसको तुम हीट करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो बहुत हाई टेम्परेचर 2000 या 3000 के टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगा। कोवलेंट मॉलिक्यूल है, कोवलेंट मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, मतलब दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए, वो भी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, 150 से 1100 के बीच में एनर्जी तुम्हें चाहिए होगी, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है। मेटालिक बॉन्डिंग में मेटल्स हैं और मेटल एक दूसरे से मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हैं, मेटल मेटल बॉन्ड्स बने हुए हैं। यहाँ पे केटायन डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी एनर्जी भी क्या होती है, 75 to 1000 किलो जूल है। तो मतलब इतनी किलो जूल की एनर्जी तुम दोगे तब जाके एक मेटल मेल्ट करेगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये आ रहा है कि यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, बॉन्डिंग तो हमें समझ में आ गई, लेकिन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, आयन आयन इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यहाँ पे मेटल मेटल इंटरमोलिकुलर फोर्स है, या केटायन केटायन और इलेक्ट्रॉन का वो है, ठीक है, और या फिर तुम बोल सकते हो कि मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड्स बने हुए हैं। तो आयनिक और मेटल मेटल बॉन्डिंग के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, जो उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं ना, वही उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है। तो पहली चीज कि फॉर आयनिक एंड मेटालिक सॉलिड्स, बॉन्डिंग इज सेम एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो इसमें मॉलिक्यूल्स तो होते नहीं, इसमें कैटायन और एनायन है, और इसमें क्या है, मेटल्स हैं, तो यहाँ पे मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी, वहाँ पे केटायन आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या आयन आयन अट्रैक्शन होगा। तो अब सबसे ज़्यादा जो सबसे अजीब चीज़ आती है वो कोवलेंट केसेस में होती है, क्योंकि कोवलेंट केसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। हम अगर हाइड्रोजन को मेल्ट करना चाहेंगे या किसी भी कंपाउंड को मेल्ट करना चाहेंगे तो उसका कोवलेंट बॉन्ड हम लोग नहीं तोड़ते, उसका कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्या होगा कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, तो ये पूरा मॉलिक्यूल है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, दो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल का खुद का बॉन्ड नहीं तोड़ रहे, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें कोवलेंट बॉन्ड नहीं तोड़ना है, हमें क्या तोड़ना है, हमें तोड़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज हैं। यहाँ पे तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे आयंस एग्जिस्ट करते, तो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है, फोर्सेस होती हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के केस में नहीं होती। अब कोवलेंट कंपाउंड के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, बहुत तरीके की होती है, मेजरली दो तीन तरीके। फॉर एग्जाम्पल, सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं चीनी, शुगर। तो शुगर को क्या कर सकते हो, तुम मेल्ट कर सकते हो,
कहीं पर भी रखोगे, जैसे तुमने देखा होगा जलेबी वगैरह बनती है, चाशनी तो बनाई जाती है, तो शुगर को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, मतलब उसका सिलेक्शन बना के करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डायरेक्टली भी तुम शुगर को मेल्ट कर सकते हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। तो उसमें क्या हो रहा है कि शुगर को हम लोग तोड़ नहीं रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स जैसे थे वो वैसे ही हैं, बस दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हो जाते हैं, दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा अलग अलग जाते हैं। हीट करोगे तो वो शुगर वेपर फेज में चली जाएगी, वेपर फेज में चली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूट गई, उसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूल रिटेन रहता है। कोवलेंट कंपाउंड के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर कोवलेंट कंपाउंड टूटा तो वो कंपाउंड दूसरा बन जाता है, और बॉइलिंग और मेल्टिंग एक फिजिकल चेंज है, मतलब फिजिकल चेंज में मतलब मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, उनके बीच में बॉन्ड्स, उनके खुद के केमिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं, कितने तरीके की इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं। तो पहली इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है आयन डायपोल। आयन डायपोल क्या है कि एक कैटायन होगा या एनायन होगा और साथ में एक डायपोल होगा। तो पहली चीज डायपोल क्या होता है, डायपोल एज द नेम सजेस्ट, कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें दो पोल्स होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये जो मॉलिक्यूल है वो ऑब्वियसली पोलर है। तो जैसे वाटर है, वाटर क्या है, वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है लेकिन इसके अंदर डायपोल होता है क्योंकि ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव है और ये जो हाइड्रोजन होते हैं डेल्टा पॉजिटिव होते हैं, तो ये एक डायपोल शो करते हैं यहाँ पे, ठीक। सो आयन डायपोल जो होता है वो क्या होगा, पोलर कंपाउंड, कोई भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और आयन है तो आयन कंपाउंड। तो कभी भी तुम्हारे पास कोई कैटायन पड़ा हो और वो किसी पोलर कंपाउंड को खींच रहा हो तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी उसे हम लोग बोलते हैं आयन डायपोल, ठीक है। जैसे हमारे पास आयरन है Fe+2 और इसके चारों तरफ कौन आ गया, वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, ठीक है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो होगी डायपोल, आयन डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बहुत ज्यादा जगह यूज नहीं होती है, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये 40 से 60 किलो जूल की एनर्जी पे ये टूट जाता है। तो मतलब क्या है कि ये वीक इंट्रैक्शन है, वीक कितना, बहुत ज्यादा वीक नहीं, वीक इंट्रैक्शन है, बस सिंपल वीक इंट्रैक्शन। अब नेक्स्ट वी कम टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो इंटरमोलिकुलर फोर्स थी वो आयनिक थी या इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद कौन सी है, मेटालिक, मेटालिक के बाद आती है कोवलेंट कंपाउंड्स की बारी, और कोवलेंट कंपाउंड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है वो कोवलेंट नहीं होती, बहुत अलग तरीके की होती है। तो पहली आ गई आयन डायपोल, आयन डायपोल काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट आती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होता है, एक हाइड्रोजन होता है, एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन दे रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन डोनर, और एक मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन ले रहा होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब कोवलेंट कंपाउंड के जितने भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग यही है। तो ये होती है 10 से 40 किलो जूल के बीच में, जैसे दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है। तो मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगा, जब हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हाइड्रोजन तो हमें छः चार चार दिख रहा है। अब कैसा हाइड्रोजन चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, तो यहाँ पे कौन सा है, ऑक्सीजन है तो है, और दूसरा भी एटम क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। अब हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हो गया हाइड्रोजन डोनर, और जो उस हाइड्रोजन को खींच रहा है वो हो गया हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो एक नहीं होती है, एक का मतलब क्या है कि एक वाटर मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, वाटर के अंदर करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और वो करोड़ों वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल चार हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ मॉलिक्यूल हैं तो 4 करोड़ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और 4 करोड़ हाइड्रोजन बॉन्ड को तुम्हें तोड़ना है तब जाके तुम वाटर को मेल्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब आइस को तुम मेल्ट कर सकते हो, या फिर अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो 4 करोड़ बॉन्ड्स को जब तुम तोड़ोगे तो कलेक्टिवली तुम्हें इतने सारे बॉन्ड्स तोड़ने हैं, तो जब इन सारे बॉन्ड्स को तोड़ोगे तब जाके वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तब जाके वो पेपर में बने। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, तो उन सारे बॉन्ड्स को तुम्हें तोड़ना पड़ता है। एनीवेज हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग है, वो तुम्हें याद रखना है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट
इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम्स इज डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल क्या है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, जैसे डायपोल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। तो अगर दो मॉलिक्यूल हैं इनके पास दो डायपोल हैं या दो पोलर मॉलिक्यूल हैं तो उनके बीच में डायपोल डायपोल होगी। ये थोड़ी सी कम है लेकिन इसकी जो एनर्जी होती है 5 से 25 होती है। जैसे ICL है, ICL ICL, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव इसके पास, डेल्टा नेगेटिव इसके पास, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा है। तो एक डायपोल दूसरे डायपोल को अट्रैक्ट करता है और इनके बीच में डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन आ जाती है। एक होती है आयन डायपोल। तो एक आयन है पॉजिटिव चार्ज और एक डायपोल है, बट ये डायपोल कैसा है, इंड्यूस डायपोल। एक ऐसा डायपोल जो खुद रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता बट ये आयन जबरदस्ती उसका डायपोल बना रहा है, तो उसे हम लोग आयन डायपोल, इंड्यूस डायपोल बोलते हैं। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा है यहाँ पे मेरे पास, यहीं दिखा देते हैं। आयन डायपोल क्या है कि ये जो इंटर मॉलिकुलर फोर्स है ये एग्जिस्ट करेगी आयन के बीच में एंड डायपोल के बीच में। तो आयन मेरे पास हो गया कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज, और डायपोल हो सकता है जैसे HCl ले लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल, H डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कैटायन उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचेगा तो इनके बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बन जाएगी। दूसरा यहाँ पे डायपोल डायपोल है, दो HCl मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग, एक HCl इधर एक HCl, ये है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव दो अगर पॉजिटिव चार्ज हो गए तो इनके बीच में भी क्या होगा, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। ठीक, तो आयन डायपोल सबसे स्ट्रांग है जो कि बहुत ही कम एग्जिस्ट करती है, उसके बाद डायपोल डायपोल, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड देन डायपोल डायपोल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि उसका पूरा ही अलग से बताया जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी बची है, यहाँ पे डायपोल इंड्यूस डायपोल एंड लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसको मैं थोड़ा क्लियरली बताता हूँ, जगह है क्या बताने की, नहीं है। अब दो ऐसी फोर्सेस जो बहुत ही अलग हैं और जो बहुत ही कॉमन है, विच आर आयन इंड्यूस डायपोल। ठीक है, और दूसरा है लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। आयन इंड्यूस डायपोल क्या है कि एक है पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और दूसरा एकदम नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब उसके अंदर कोई भी पोल्स ही नहीं है, उसकी डायपोल मोमेंट जीरो है। तो कोई पोल्स नहीं होंगे तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगी। बट होता क्या है कि कैटायन क्या करता है, यहाँ पे जितना नेगेटिव जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एकदम न्यूट्रल है ये एटम। बट ये जो कैटायन है वो क्या करता है, इसके पास पावर ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने की वजह से इस ये जो एटम है इसके बीच में हो जाता है डायपोल इंड्यूस, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस है वो यहीं रह जाता है और उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ये जो था वो पूरा न्यूट्रल कंपाउंड था और अब वो क्या बन गया है, उसमें डायपोल बन गए। डायपोल तुम्हें दिख रहा होगा, एक पॉजिटिव चार्ज अलग है और इलेक्ट्रॉन्स अलग चले गए, न्यूक्लियस अलग चला गया और उसके इलेक्ट्रॉन्स दूसरी साइड चले गए। तो इसके बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन हो गया, पोल्स बन गए और ये बन जाता है डायपोल। लेकिन ये डायपोल खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, किसने एग्जिस्ट कराया, कैटायन ने कराया। तो ये कैटायन जबरदस्ती उसके बीच एक न्यूट्रल एटम में पोल्स जनरेट करा रहा है। तो जब जबरदस्ती पोल्स जनरेट किया जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे इंड्यूस डायपोल। ठीक है, तो ऐसा डायपोल जो इंड्यूस हुआ है, तो ये हो गया इंड्यूस डायपोल। तो आयन इंड्यूस डायपोल समझ में आ गए होंगे, इंड्यूस डायपोल मतलब डायपोल खुद एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन किसी और के इन्फ्लुएंस की वजह से वहां पे डायपोल हो रहा है। खुद वो आराम से बैठा हुआ था लेकिन दूसरा कैटायन आया है उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है जिसकी वजह से डायपोल वहां पे बन रहा है। लास्ट आता है लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन एंड डिस्पोजन फोर्सेस होती हैं दो न्यूट्रल एटम के बीच, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में, ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव यहाँ पे है।
पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस में हम लोग बताते हैं, जैसे तुम यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फॉर सम सेकेंड्स, ठीक है, जैसे ए पॉजिटिव न्यूक्लियस है तो उसके चारों ओर तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहे हैं। तो हम लोग कंसिडर करते हैं कि एक इंस्टेंट ऐसा आता है, एक सेकेंड ऐसा आता है जहां पे इसके सारे इलेक्ट्रॉन एक जगह पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड पे पहुंच गए और न्यूक्लियस यहाँ पे, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इधर से, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव हो गया, डेल्टा पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंड्यूस डायपोल। तो डायपोल क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, यहाँ पे अपने आप बन गया। मतलब क्या है कि अगर वो 60 सेकेंड्स हैं तो उसमें 1 सेकेंड पे ये ऐसा बन गया, फिर वो दूसरे सेकेंड में अपने आप नॉर्मल में आ जाएगा। फिर जैसे ही ये बना तो इसके साथ वाला भी क्या हो गया, उसमें भी डायपोल इंड्यूस हो जाता है, उसके भी उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस साइड पे आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं हम लोग इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। ये सबसे कॉमन है एंड इट इज यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब हर जगह एग्जिस्ट करता है, हर एक मॉलिक्यूल में लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस होती होती हैं, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड है, आयनिक और मेटालिक को छोड़ के जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है उसमें दो टाइप की, दो या दो से ज्यादा, सॉरी एक या एक से ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती है, और उसमें ये वाला जो लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस है वो 100% होगी होगी। अगर कोई भी मॉलिक्यूल तुम लिखो उसमें सबसे पहला जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस होगी, उसके अलावा कुछ और होनी हो या ना हो तो ये यूबिक्यूटस होता है। कुछ ना नहीं होगा तो लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस जरूर होंगी, कुछ होगा भी तो भी लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी। तो अगर तुम्हें कोई कोवलेंट कंपाउंड दिखता है तो उसमें लेटेंट एंड डिस्पर्जन फोर्सेस होना जरूरी है, इसको तुम ऐसे कंसिडर करके चलो। और ये होती हैं वीकेस्ट फोर्सेस। जैसे तुम इसमें देखोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 0.05 से 40 किलो जूल का है, और दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब फ्लोरीन मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, फिर भी दो फ्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। अब जैसे हम लोगों ने वंडर वॉल फोर्सेस का नाम बहुत सुना होगा, तो ये वंडर वॉल फोर्सेस क्या है, ये वंडर वॉल फोर्सेस यही है, डायपोल डायपोल इज लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, सॉरी इज वंडर वॉल फोर्सेस, लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, आयन डायपोल, ठीक है। और क्या बचा, डायपोल डायपोल और हो गया डायपोल डायपोल, आयन डायपोल, लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस, और तो कुछ थी नहीं यहाँ पे, ये बच्चा आयन इंड्यूस्ड, आयन इंड्यूस्ड डायपोल। तो ये चार तरीके की जो फोर्सेस होती हैं वो सारी कंसिडर की जाती हैं किसके अंदर, वंडर वॉल फोर्सेस के अंदर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं कंसिडर करूँ तो हमारे पास चार तरीके की है जो इसमें दिखाई नहीं गई है, एक इसमें दिखाई नहीं गई है। पहला तो हो गया आयनिक, और आयनिक में किस तरीके की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक हो गई मेटालिक, मेटालिक में क्या होता है, आयन सॉरी कैटायन, इलेक्ट्रॉन या फिर मेटल मेटल बॉन्डिंग हम लोग बोल सकते हैं, यही इंटरमॉलिक्यूल बोल सकते हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोवलेंट नेटवर्क। कोवलेंट नेटवर्क में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे डायमंड, डायमंड ग्रेफाइट, बट ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, ठीक है, डायमंड हो गया, और सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन नाइट्राइड, और भी बहुत सारे जितने भी, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, और बहुत सारे कोवलेंट नेटवर्क कंपाउंड्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और दूसरा आ गया कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में मेजरली दो तरीके की फोर्सेस होती है, एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग
और एक होती है वन डबल फोर्सेस। और ये वन डबल फोर्सेस चार तरीके की है जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर रखा है। एक हो गई डायपोल डायपोल, एक हो गई लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, आयन डायपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डायपोल। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या कहीं पर भी यूज होगी, आयनिक कंपाउंड अगर है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद मेटल है तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा ही होगा। तो सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट आएगा कोवलेंट नेटवर्क का, जैसे डायमंड वगैरह हो गया। उसके बाद आएगा आयनिक सॉलिड्स का, उसके बाद मेटल्स का, और उसके बाद कोवलेंट कंपाउंड्स का। अब कोवलेंट कंपाउंड्स में हमें मेजरली देखना है, तो ठीक है ये तुम्हारे पास सामने होंगे तो इन तीन के बीच में तुम आराम से जज कर सकते हो। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में। तो कोवलेंट कंपाउंड के बीच में हमें जस्टिफाई करना होता है किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और किसका कम है, क्योंकि बहुत सारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन है। तो प्रोपेन का यहाँ पे जो दो कलर है, एक तो दे रखा है हमें डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट हमें दिखा रहा है कि उसकी पोलैरिटी कितनी है, ठीक है, और दूसरा हमें दिखा रहा है बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रोपेन तुम्हें मॉलिक्यूल दिख रहा होगा, ये CH3 CH2 CH3, ये CH3 है, फिर CH2 CH3 है। इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 8 है, ठीक है, बहुत ही कम डायपोल मोमेंट है, नॉन पोलर कंपाउंड है एकदम। और इसका जो मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो 231 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइमिथाइल ईथर। सो डाइमिथाइल ईथर में कंपाउंड है CH3O CH3। इसके अंदर होती है डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस। डायपोल डायपोल क्यों होगी, तो मैं मॉलिक्यूल तुम्हें बना के दिखा दो, उसके अकॉर्डिंग इसका डायपोल डायपोल होगा। तो इसके पास दो लोन पेयर है, इधर जाएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, तो ओवरऑल इधर जाएगा। तो ये क्या है, एक डायपोल कंपाउंड है। जैसे जैसे वाटर होता है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो तुम देख सकते हो 130 है, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है, 248। बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, बात उन कंपाउंड्स की कर रहे हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कंपैरेटिवली सेम है, जैसे 44, 46, 50, 44, 41। नेक्स्ट इज मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड में भी CH3Cl है, ठीक है, ये भी क्या है, पोलर कंपाउंड है CH3Cl, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो वो और भी ज्यादा है। फिर उसके बाद हमारे पास कंपाउंड होता है CH3CHO। CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, इसके अंदर भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं, लेकिन इनका डायपोल थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसका डायपोल 269 है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 294 है, ज्यादा है। और फिर लास्ट आता है हमारा CH3CN जो कि एक्सट्रीमली डायपोल है, इसका डायपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा होता है। तो हाई डायपोल मोमेंट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं कि अगर नॉन पोलर कंपाउंड हो, नॉन पोलर ये है तो ये बिल्कुल नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो लंडन एंड डिस्पर्जन फोर्सेस है यहाँ पर। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, और बाकी सब में क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस है। बस अब हमें देखना होता है कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट लेके बैठा होगा, ठीक है। तो एक और एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे वो स्टार्ट हो गया। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंपाउंड है CH3CH2CH2CH2, एक कंपाउंड ये है, ठीक है, ये एकदम नॉन पोलर कंपाउंड है, डायपोल मोमेंट इसकी होगी जीरो। एक कंपाउंड है CH3Cl, इसके अंदर डायपोल बनेगा क्योंकि ये डेल्टा नेगेटिव यहाँ से, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ से, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या है, पोलर कंपाउंड है, ठीक है। और एक और कंपाउंड है लेकिन इसको मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं कंपेयर कर लेता हूँ इसको, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मॉलिक्यूलर मास और सरफेस
सरफेस एरिया जिसके बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो ये मैं ले लेता हूँ सी एच थ्री सी एल, ये पोलर हो गया, और मैं ले लेता हूँ सी एच थ्री ओ एच, जो कि क्या दिखाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। तो इसमें से अगर मैं कंसिडर करूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो थर्ड का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, देन सेकेंड का, एंड देन फर्स्ट का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है, देन डायपोल डायपोल इंट्रैक्शंस, और नॉन पोलर में क्या होता है, लंडन एंड डिस्पर्शन फोर्सेस, दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, और वही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए। और कैसा हाइड्रोजन चाहिए, ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरिन के साथ अटैच हो। तो पहला केस क्या है कि जो हाइड्रोजन हो वो इस तरीके के एटम से होगा जो सो इलेक्ट्रोनेगेटिव दैट देयर कोवेलेंसी बॉन्डेड एच इज हाईली पॉजिटिव, कि वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो कि वो हाइड्रोजन से उसके इलेक्ट्रॉन छीन ले और उसको डेल्टा पॉजिटिव बना दे। तो एच एफ है, तो फ्लोरिन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये डेल्टा नेगेटिव और ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। सो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तीन ही एलिमेंट है, फ्लोरिन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन एक ऐसे एटम से अटैच होना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इसके अलावा कोई नहीं। क्वेश्चन तो ये भी आता है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन के इक्वल ही है, फिर भी क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। तो उस केस में ये प्रॉब्लम होती है कि इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है उसमें इन्वॉल्व होता है 1s एंड 2p ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो यहाँ है, 2p ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ है, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, फिर भी ये बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन 1s और 3p की एनर्जी में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो ये अच्छे से ओवरलैप नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट ज़्यादा है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स तभी, अटोमिक ऑर्बिटल तभी ओवरलैप करेंगे या तभी बॉन्ड बनाएंगे जब उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, शेप भी सिमिलर होनी चाहिए, एनर्जी भी सिमिलर होनी चाहिए। अगर एनर्जी सिमिलर नहीं है और एनर्जी में जमीन आसमान का डिफरेंस है तो वो बॉन्ड नहीं बन सकता। तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीएल के साथ ये यूज होता है कि वहां पे जो ऑर्बिटल है वो 2p है और सीएल में ऑर्बिटल 3p है, तो 1s और 3p के बीच में जो ओवरलैप होगा वो प्रॉपरली नहीं हो पाता, इसलिए क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करती, ठीक है। तो हमारे पास तीन ही एलिमेंट रहेगा, क्लोरीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो पहली चीज हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए जो क्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से अटैच होना चाहिए, और दूसरा एक ऐसा एटम चाहिए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो पहले मैं एक हाइड्रोजन लिखता हूँ जो कि किससे अटैच होना चाहिए, फ्लोरीन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से होना चाहिए, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक ऐसा एटम होना चाहिए हाइड्रोजन के सामने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, और वो भी चाहिए हमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन, इन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बाकी किसी के बीच में हाइड्रोजन नहीं होगी। जो एटम हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, वो हाइड्रोजन डोनर है, क्योंकि ये अपना हाइड्रोजन दे रहा है ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन या दूसरा जो वेला एलिमेंट है वो होगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है, जिसके पास जो हाइड्रोजन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपने पास खींच रहा, दैट एटम इज हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने तुम्हें बता दी है, ठीक है, लेट अस फाइंड आउट, क्वेश्चंस तो थे, हाँ यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, तो तीन क्वेश्चन में से तुम्हें बताना है कि कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा और कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। तो सी टू एच सिक्स का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी एच थ्री। तो बताओ मुझे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा या नहीं करेगा, बताएगा कोई? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहली चीज हमें हाइड्रोजन चाहिए,
और हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कोई भी नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं CH3OH पे। अब CH3OH पे चार हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है। चार हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं है, हमें वो वाला हाइड्रोजन चाहिए जो ऑक्सीजन से अटैच हो। तो ये वाला हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से। तो ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये कार्बन से अटैच है। कौन सा करेगा? यही करेगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसके पास दो ऐसे हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुझे बताओ CH3OCH3, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा? बताएगा कोई? पीहू बताओगी तुम? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बट इसमें नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन तो है ही, मतलब इसमें ऑक्सीजन तो है ही। ऑक्सीजन है लेकिन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो जितने भी हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। ठीक है, और कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दिखाता नहीं है। किसके साथ चाहिए? ऑक्सीजन के साथ चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है। ठीक है, या फिर अगर तुम्हें अच्छे से इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग दूसरा क्वेश्चन भी लेते हैं। एसिटाइल्डिहाइड CH3CHO, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा? हाँ शिवांगी, करेगा? करेगा, श्योर करेगा। अच्छा, तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, क्या होता है CH3COOH। बताओ करेगा नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच नहीं है। क्या चाहिए हमें? हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन कैसा चाहिए? जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के तुम नहीं बता सकते, तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, और प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही तुम डिसाइड कर सकते हो कि यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा या हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं करेगा। ठीक है, सो एसिटाइल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। ठीक है, लैंडेन डिस्पर्जन फोर्सेस तो मैंने तुम्हें बता दिया, फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडेंस स्टेट ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंस इज द डिस्पर्जन फोर्सेस और लैंडेन फोर्सेस। तो जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनके पास कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वो लिक्विफाई नहीं हो सकते। मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो बिल्कुल भी पोलर नहीं है। अगर वो बिल्कुल भी पोलर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। बट इसका मतलब ये भी क्लियरली है कि वो कभी सॉलिड या कभी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे मैं हाइड्रोजन गैस ले लेता हूँ, बिल्कुल नॉन पोलर है। अब नॉन पोलर अगर ये है तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को बीच में अट्रैक्ट नहीं।
अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज नहीं होंगी, तो ये गैस है तो ये जिंदगी भर गैस ही रहेगा। बट ऐसा होता नहीं है, हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। बट अगर इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ही नहीं तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है? तो ये बात हमें किसने क्लियर करी? फ्रिट्ज लंडन जो कि एक फिजिसिस्ट थे, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे बताया कि ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। जब ये मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करने लग जाती है। And these intermolecular forces are called London and dispersion forces. वैसे नाम तो इसका dispersion forces है, London forces इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो scientist है Fritz London, उसने इसके बारे में discover किया था through quantum mechanics. तो ये हमें क्लियर हो गया कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है, कुछ ना कुछ फोर्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो फोर्सेस होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस। दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेज इन नेचर और ये हर किसी मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है। तो अब दूसरा आ जाता है कि शेप, हाउ शेप इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब जो शेप होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। पहली चीज़ आती है कि मॉलिक्यूलर वेट, या बेसिकली मैं लिख दूँ साइज, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है शेप। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है या किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो अगर मेरे पास मीथेन है तो वो गैस होती है, इथेन है तो भी वो गैस है, ऐसी करते C4, C5, C10, 11, 12 जैसे जैसे हम आते हैं तो फिर वो लिक्विड बनने लग जाते हैं, और फिर जब C20, C30 मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे तो वो सॉलिड हो जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। अब क्या होता है कि जब साइज छोटा है, मैं भी दिखाता हूँ, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो साइज पे और सरफेस एरिया पे डिपेंड करती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस लिए? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहां से डिफाइन होंगी, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो CH4 एक छोटा मॉलिक्यूल है, C2H5 उससे बड़ा, C3H6 और बड़ा हो जाएगा, और ऐसे करते मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा। ठीक है, अब जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इतनी ही होगी। ठीक है, जो थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है तो उसको मैं थोड़ा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और बढ़ गया, और बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या क्या कहने का मतलब है कि जैसे ही मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती जाती हैं, और उनके बीच में ये जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो क्राइटेरिया है वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल इतना है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसी होगा, एक मॉलिक्यूल बहुत लंबा है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हर जगह होगी। तो तुम्हें दिख रहा है कि अगर इन दो मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 बॉन्ड, तो किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? 8 बॉन्ड को तोड़ने में लगेगी। तो दो मॉलिक्यूल जो लीनियर हैं उनको सेपरेट करने में, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ने में हमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली उसका ज्यादा होगा। तो पहली चीज क्या है? साइज। अगर साइज बड़ा है तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, अगर साइज छोटा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे। दूसरा चीज क्या है कि शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब शेप किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मैं पेंटेन लिखूं तो ये हो गया पेंटेन, तो पेंटेन पेंटेन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वो लीनियर होंगे और उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अब दूसरा है कि मैंने एक ले लिया आइसोपेंटेन इस तरीके से। ठीक है,
तो दूसरा जो मॉलिक्यूल आएगा वो भी इस तरीके से आएगा। अब तुम देखो इनके बीच में ना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत कम हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, इस तरीके से मॉलिक्यूल बन गया। इसे थोड़ा दूर करना पड़ेगा मुझे। तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कम हो गई, क्योंकि इधर इन दो एंड से ये दूर हो गया, इधर से दूर हो गया, इधर से पास है। ठीक है, अब जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं, ठीक ये हो गया नियोपेंटाइल। तो नियोपेंटाइल तो क्या हो गया, एकदम स्फेरिकल हो जाता है। और स्फेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा कम होता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी नहीं आ रही। लीनियर में कितनी आ रही थी, ज्यादा आ रही थी। लीनियर में मॉलिक्यूल एक दूसरे को के साथ परफेक्टली फिट हो सकते हैं। ठीक है, और ब्रांच्ड में मॉलिक्यूल उतने अच्छे से नहीं कर सकते। या इनको मैं अगर उल्टा बना दूं तो ऐसा होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर भी ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें मीडियम होगी या इंटरमीडिएट, और इसमें लोएस्ट। ठीक है, तो सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सरफेस एरिया कैसे है कि एज द नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज होगा द मॉलिक्यूल अटेन्स, मॉलिक्यूल क्या करेगा, स्फेरिकल शेप। मॉलिक्यूल स्फेरिकल शेप अटेन करने लग जाएगा, और जितना ज्यादा स्फेरिकल शेप अटेन करेगा उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर इसमें से मुझे बताना हो तो नियोपेंटाइल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, फिर आइसोपेंटाइल का कम होगा, और फिर एन पेंटाइल जो स्ट्रेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो अगर तुम यहाँ पे ये देखो कि जैसे मॉलिक्यूल है, ये तो लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक दो तीन चार, ठीक है, पेंटेन है, ये दिख रहा होगा, तो ये पेंटेन है। ये तो जो मॉलिक्यूल है ये पूरा ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही है, क्योंकि जब ये इस तरीके से एटम बनते हैं तो ये स्ट्रेट ही दिखता है। तो दो स्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज्यादा है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगी। लेकिन जैसे नियोपेंटाइल है उसके बीच में क्या है, स्फेरिकल शेप ले ली उसने, ठीक है, तो स्फेरिकल लिया तो दो स्फेयर बनेंगे, और स्फेयर बनेंगे तो उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट नियोपेंटाइल का कितना है, 9.5 डिग्री सेल्सियस, और एन पेंटेन का है क्या, 36.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 30 रूम टेम्परेचर पे एनर्जी कितनी होती है, 25, टेम्परेचर कितना होता है, 25 या 30 ले लो। तो ये 30 अगर मैं ले लेता हूँ तो पेंटेन क्या होता है, सॉलिड होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें लिक्विड की, अगर ये मेल्टिंग पॉइंट होता तो मैं उसको सॉलिड लिक्विड कंसिडर कर सकता था। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 36.1 डिग्री सेल्सियस है, तो ये डेफिनेटली लिक्विड है, और ये भी लिक्विड है, लेकिन इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका, नियोपेंटाइल का कम है 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर तुम नियोपेंटाइल और एन पेंटेन दोनों को खुला छोड़ दोगे दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि इतना कम बॉइलिंग पॉइंट है, 9.5 डिग्री सेल्सियस पे ही नियोपेंटाइल इवेपोरेट हो जाएगा और एन पेंटेन 36.1 डिग्री सेल्सियस पे इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो नियोपेंटेन तुम जब बॉटल खोलोगे और खोलने के जस्ट 10-15 मिनट बाद ही वो गायब हो जाएगा, एन पेंटेन फिर भी पूरा दिन सस्टेन कर लेगा क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर भी ज्यादा है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वंडरवॉल फोर्सेस कितनी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयंस और एक होते हैं जब आयंस प्रेजेंट नहीं हो। तो आयंस होंगे तो उनके बीच में आयनिक बॉन्डिंग होगी, और अगर आयन प्रेजेंट है और तो उसमें पोलर मॉलिक्यूल है तो आयन डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जब वहां पे आयंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो अगर आयन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स में अगर पोलर मॉलिक्यूल हैं तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दिखाएंगे, और पोलर में एक मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी आते हैं जहाँ पे
हाइड्रोजन अवेलेबल होता है। हाइड्रोजन किससे अटैच होता है? ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन से। तो अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन से अटैच है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, और अगर वो अटैच नहीं है फिर भी वो पोलर है तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। और अगर वो कंपाउंड पोलर और नॉन पोलर है तो डायपोल इंड्यूस डायपोल, और बिल्कुल नॉन पोलर है तो डिस्पोजन फोर्स। तो ये चार पांच तरीके के इंटरेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए, और अगर हम लोग इनका देखें तो ये ज्यादा बड़ा होगा, फिर ये इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है और डायपोल डायपोल थोड़ा कम होता है, तो इस ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और बाकी सब इसी तरीके से जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो यूज जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन ज्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है और किसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी ये चैप्टर मैंने यहाँ पे खत्म कर दिया।